दोस्तों, मैं बुद्ध विलास रायकवार आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये कॉमेट इंजन। हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा, तो देखिए दोस्तों हम आपको बताते हैं इसमें क्या समझे। हैंडल मारो भैया, तो हैंडल मारो मारो। देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ, पहल कोई तेज़ी से मारा नहीं हो रहा सर। तो दोस्तों बस 1100 ठीक। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कंप्रेसर चेक करना। तो सर दोस्तों हमारा कंप्रेसर ठीक है, तो अब हम बता खोलेंगे इसकी नली। तो दोस्तों मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। हमारा हैंडल हैंडल देखिए दोस्तों हमारा तेल नहीं दे रहा है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं इसके, देखते हैं इसमें बबल्स बना रहे हैं शायद। तो दोस्तों हम इसके लिए हमको पंप खोलना पड़े। ये दोनों चीज़ें टाइट कर दी, इसके बाद आपको बताते हैं ये कैसे। दोस्तों हमने इसको पंप को टाइट किया था, एक बार अच्छे से टाइट कर देना है। एक बार अच्छे से टाइट करने के बाद अब इसको खोल के मैं आपको बताता हूँ डिलीवरी बाल से एयर कैसे निकालना है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, पर दोस्तों यहाँ से निकालने का आसान तरीका होता है। इसको ढीला करिए, इसके बाद इसको आप टाइट कर दीजिए। इसको टाइट कर लिया, इसके बाद आपको दिखाते हैं तेल दे रहा है। दोस्तों हमारा तेल दे रहा है। दोस्तों अगर तेल ना दे तो घबराइएगा नहीं, 2-3 बार यहाँ से एयर निकाल के, यहाँ से एयर निकाल के, और आपका फिर एयर जब निकल जाएगा तब आ जाएगा। यहाँ से निकालिए, यहाँ यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नली को लगा के मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और इसको कंप्लीट करिए। इसके बाद आपको देख बता दोस्तों हम नेजल का आपको अगला वीडियो दे देंगे। अभी जल्दी था इसीलिए हम नेजल का वीडियो नहीं बना पाए। तो दोस्तों हम आपको इसकी सेटिंग बताते हैं आपको। भैया घुमाओ, इसकी सेटिंग बताते हैं आपको कैसे की जाती है। दोस्तों देखिए ये ढील करने पर ये होता है, इसके बाद हल्का हल्का टाइट करिए। इसके बाद देखिए दोस्तों स्प्रे अच्छा होना चाहिए हमारा स्प्रे। बस दोस्तों इसने में छोड़ देना है दोस्तों, इसके बाद बस हो गया, बंद बंद। इसके बाद स्टार्ट करने के बाद अगर जो अप डाउन होता है तो इसके बाद सेट कर लीजिए। दोस्तों मैं इसको कस के और इस दिखाता हूँ आपको। हो चुका है, मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ।